गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग और ये वीडियो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल के छात्रों का है। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमए फाइनल का जो छात्रों का जो ये पेपर है, पेपर 7th 20th सेंचुरी लिटरेचर, ये 4 तारीख को है। तो ये बच्चे स्पेशली रूप से इस वीडियो से जुड़े और देखें। देखो, यूनिट फर्स्ट में TS इलिट है उनका, वेस्टलैंड में से आपके 101% क्वेश्चन आएगा। वेस्टलैंड TS इलिट की आप 5 भागों में बटी हुई कविता है, लॉन्ग पोइम है और इसका मॉडर्निटी पे ऊपर एक सटायर है, उससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप इसके लॉन्ग क्वेश्चन को 10 से 12 पॉइंटों में लिखोगे, 101% क्वेश्चन आएगा। यूनिट सेकंड में आप WB यट्स की सेलिंग टू बाइजेंटियम ईस्टर पढ़ोगे, दोनों के दोनों पेट्रियोटिक पोइम है, क्योंकि ईस्टर जो कविता है वो 1916 में जो आंदोलन हुआ था उस आंदोलन के ऊपर है। और ये बाइजोटियम जब जाता है तो वहाँ पर इसमें नेचुरल ब्यूटी का भी यूज़ करता है, पेस्टोरलिज्म का भी यूज़ करता है, यहाँ पे कभी सोशलिज्म का भी यूज़ करता है। तो दोनों कविताओं में से या तो किसी का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या इसकी थ्योरी को लेकर प्रश्न पूछेगा। तो आप सभी बच्चे इनको लाइन टू लाइन पढ़े। और इसी में ही आपके डायलन थॉमस हैं, डायलन थॉमस की पर्न हिल जो अपने दादी के फार्म हाउस पर जाता है उसके बारे में वर्णन करता है, तो इसमें पेस्टोरल ब्यूटी को रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। और द ब्रेड आई ब्रेक, दिस ब्रेड आई ब्रेक, ये दोनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो यूनिट सेकंड में आप WB यट्स के सेलिंग टू बाइजेंटियम ईस्टर 1916 और डायलन थॉमस की पर्न हिल और द ब्रेड आप लर्न करोगे। और आप इसी में WH ओडिन है उसकी इन मेमोरी ऑफ WB यट्स, यानी कि WB यट्स जो आयरिश आंदोलन के लिए लड़ा उसके बारे में इसकी पूरी की पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वो किस प्रकार का व्यक्ति था और उन्होंने आयरिश लोगों के लिए क्या कहा। तो यूनिट थर्ड में आप ये पढ़ेंगे। यूनिट सेकंड में अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसमें GB Shah का सेंट जॉन एक पेट्रियोटिक एक बहुत ही बड़ा ड्रामा है जिसमें सेंट जॉन मेन कैरेक्टर में रहती है, जो अपने देश के लिए जान दे देती है और किस प्रकार इसमें पॉलिटिक्स यूज की गई, किस प्रकार अपने ही देश के लोगों के द्वारा उसे फांसी पर चढ़ाया गया। तो एक लड़की के संघर्ष की कहानी है, किस प्रकार वो सेना में भर्ती होना चाहती थी, किस प्रकार उसने अपने देश के लिए बलिदान दिया, उसके बलिदान की कहानी है। 101% क्वेश्चन आएगा आप जिसके लुक बैक इन एंगर लंबा पड़ जाएगा, मैं चाहूंगा कि आप इसमें सेंट जॉन लर्न करें। यूनिट फोर्थ में आप वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डोलावे लर्न करोगे, बहुत अच्छी कहानी है जिसमें लव और रोमांस को बताया गया है कि किस प्रकार वो अपने पूर्व प्रेमी से मिलती है और किस प्रकार उसके जो परिवार वाले हैं उसको अपने पूर्व प्रेमी से मिलने के लिए आग्रह करते हैं, उसकी बहुत अच्छी कहानी है। तो आप यूनिट फोर्थ में आप वर्जीनिया वुल्फ का मिसिस डोलावे करेंगे और यूनिट फोर्थ में आप एडोल हक्सले का ब्रेव न्यू वर्ल्ड और जॉर्ज ऑरवेल का द पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप दोनों लर्न कर सकते हैं। तो ओवरऑल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के जो छात्र हैं एमए फाइनल के, उनका जो 7th पेपर है 20th सेंचुरी लिटरेचर, यूनिट फर्स्ट में वेस्टलैंड का क्वेश्चन आएगा, यूनिट थर्ड में WB यट्स सेलिंग टू बाइजेंटियम और ईस्टर, WH ओडिन का WB यट्स और डायलन थॉमस का पर्न हिल और दिस ब्रेड आई ब्रेक, आप ये पोएम है आप इन्हें लाइन टू लाइन लर्न करें ताकि आप इनका क्रिटिकल एप्रिसिएशन और इनकी एक्सप्लेनेशन और शॉर्ट क्वेश्चन कर सकें। यूनिट थर्ड में सेंट जॉन लर्न करेंगे, यूनिट फोर्थ में मिसिस डोलावे की बहुत अच्छी कहानी है, यूनिट फिफ्थ में आप ब्रेव न्यू वर्ल्ड और द पॉलिटिक्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आप लर्न करके जाएंगे। इस प्रकार आपका पेपर होगा। याद रहे, एक्सप्लेनेशन आप पहले करना चाहें तो पहले या बाद में करें तो बाद में, मैं चाहूँगा कि आप बाद में करें, पहले लॉन्ग क्वेश्चन करें। लॉन्ग क्वेश्चन आप 10 से 12 पॉइंटों में लिखोगे और कम से कम आप 4 पेज दोनों तरफ के 8 पेज इन पेजेस को कंप्लीट करते हुए आप इनके आंसर लिखोगे। बिना पॉइंटों के कोई भी लॉन्ग आंसर नहीं लिखेगा। और अगर पोएम्स आप यूनिट फर्स्ट यूनिट सेकंड आप पोएम पढ़ते हो तो आपको पोएम पढ़ने का फायदा लॉन्ग क्वेश्चन में भी मिलेगा, शॉर्ट में भी मिलेगा और एक्सप्लेनेशन में भी मिलेगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को दिक्कत है जो महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से पेपर दे रहा है एमए फाइनल का, वो मेरे से फोन करके मेरे से जरूर कंसल्ट कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।